तो बने रहना पूरी वीडियो पे, हम दिखाएंगे इस पूरे ट्रोले को बनते हुए कि ट्रोला कैसे सेटअप होता, बनता कैसे है। तो दोस्तों ये खड़ा अपना हाथी, और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं उस टाइम रवि भैया के घर पर, जो आपका ट्रोला जाने वाला है ना ट्रोला, तो उसकी प्रिपेयरिंग चालू हो चुकी है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है ट्रैक्टर, महिंद्रा 595 DI ट्रैक्टर, तो ये है यहाँ पर। और हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे, दो ट्रैक्टर खड़े हैं, दोनों के दोनों ट्रैक्टर, ये दोनों ट्रैक्टर जाएंगे और दोनों के ट्रैक्टर की तैयारी है, बिल्कुल पूरी तैयारी है। और आज फाइनल होने वाला है ट्रोले का, जिस पे लगेगा आपको अमर भाई का, चिंटू भाई का डीजे सेटअप। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा भाई से पूछूं यहाँ से, भैया आपका नाम? सुशील चौधरी। और ये ट्रैक्टर आप कहाँ के लिए तैयार कर रहे हैं? हरिद्वार के लिए, हरिद्वार से मेरठ, कावड़ यात्रा 2023 के लिए। तो ये ट्रैक्टर किस ट्रोले पे जाएंगे, किसके लिए, किस? ये अमर डीजे के लिए। अमर डीजे के लिए। तो दोस्तों देखा ना आपने, अमर डीजे की प्रिपेयरिंग चालू हो चुकी है, बहुत जल्द आपको कुछ अलग ही मिलने वाला है। तो यहाँ से आज पहली बार निकल रहा ट्रैक्टर और स्टार्टिंग हो चुकी है कावड़ यात्रा 2023 की। तो ये ट्रैक्टर जाएगा जो अमर डीजे के ट्रोले पे डीजे सेटअप को बजाएगा, जिसका इंतजार सबको है, सारी की सारी पब्लिक की जो निगाहें हैं वो लगी हुई हैं अमर डीजे के ऊपर। तो ये अमर डीजे के लिए ट्रैक्टर जाता हुआ यहाँ से, और एक ट्रैक्टर ये है, क्योंकि दो ट्रोले रहेंगे उनके और एक ट्रैक्टर वो है, और घर से बाहर आता हुआ और ट्रैक्टर, डीजे सेटअप का ट्रैक्टर बाहर आता हुआ महिंद्रा 595 DI। और ऊपर इस पर भी अपना एक बेस लगी हुई है, ऊपर स्पीकर लगे हुए हैं, तो ये खुद में एक डीजे सेटअप है ट्रैक्टर पे। और उधर की अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं सामने रवि चौधरी, और यहाँ से निकलता हुआ ट्रैक्टर। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं, इस ट्रैक्टर पर बैठते हैं और फिर आगे का सफ़र आपको दिखाते हैं। तो अपना सफ़र यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ बैठ के चलते हैं भाई के साथ। और यहाँ पर लग गया थोड़ा जाम, और स्टार्टिंग हो चुकी है, तूफान मचने वाली स्टार्टिंग यहाँ पर हो चुकी है। क्यों रे भाई, क्या कहेंगे इस बारे में? काम जोड़ दिया है। तो सबसे पहले आपको एक नई अपडेट, बिल्कुल न्यू कंटेंट मिलेगा आपको देखने के लिए, कहाँ पर? राकेश तोमर कुमक्कड़ पर। तो बने रहना पूरी वीडियो पे, हम दिखाएंगे इस पूरे ट्रोले को बनते हुए कि ट्रोला कैसे सेटअप होता, बनता कैसे है। तो हम लोग आ गए हैं जहां पर खड़ा है हमारा ट्रोला, अभी ट्रोला यहां पर खड़ा है। नहीं ये तो कट कट के बनेगी ये कौन। तो यहां पर आ चुके हैं हम, और यहां पर तैयार होगा ट्रोला, देख सकते हैं आप, यहां पर है कारखाना। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जहां पर ट्रोला तैयार होगा, जहां पर ट्रोला तैयार होगा अमर डीजे साउंड का, मेरठ की नंबर वन, नूरनगर की नंबर वन न्यू अमर साउंड का ट्रोला यहां पर तैयार होगा। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां देख सकते हैं आप, जय किसान एग्रो इंडस्ट्रीज, निकट राधा स्वामी सत्संग व्यास, जीटी रोड, ग्राम भैंसी खतौली, मुजफ्फरनगर। तो यहां पहुंच चुके हैं रवि भाई भी अंदर, और सुशील भाई भी अंदर पहुंच चुके हैं, और ये है कारखाना जहां पर तैयार होगा ट्रोला। तो आप देख सकते हैं मशीनरी वगैरह यहां की पूरी तरह से, ये इधर ये जंबूर वाली जो काम आती है मोस्टली, जब गन्ने के ट्रक भरते हैं ना तो जंबूर से उठाती है और गन्ने के ट्रक को भर देती है, तो ये वाली मशीन है हाइड्रोलिक वाली पूरी। दोस्तों यहाँ पर वेइंग मशीन भी लगी हुई है, तो मैं चढ़ के देखता हूँ कि कितना वजन है मेरे अंदर, मैंने तो चेक ही नहीं करा कभी लाइफ में। 77। जो ट्रोला सेटअप इसके साथ जुड़ेगा वो खड़ा है अंदर, अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ देख सकते हैं ट्रोले खड़े हैं, और भाई साहब घेर देख सकते हैं, ये है खास तौर से पहचान गाँव में, बड़े बड़े खेत, बड़े बड़े फार्म हाउस, और ये हैं ट्रोले, ये हैं डीजे के ट्रोले, डीजे सेटअप के ट्रोले। तो पहली बार देख रहे हैं आप किसी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आपको देखने को मिलेगा ये चीज कि डीजे ट्रोला सेटअप कैसे लगता है, कैसे बनता है। जय महाकाल के ट्रैक्टर के साथ जुड़ेगा डीजे ट्रोला। अब ये यहां से इसको प्रेस कर ले, देख रहे हाइड्रोलिक से उठा दिया है, इसको जोड़ा जाएगा क्योंकि वहां पर चाबी डाल करके इसको हॉल में बंद कर दिया जाएगा। और चलो 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 चलो, चलो। आ गया गया। तो दोस्तों यहां पे अगर मैं चलूं तो सबसे पहले अपने कदम रखता हूं मैं इस ट्रॉली के ऊपर,
तो सबसे पहले मेरे कदम पड़े हैं अमर डीजे साउंड के ट्रोले पर। तो देख सकते हैं आप, अमर डीजे साउंड के ट्रोले पर हम सबसे पहले चढ़े हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना, ये मेनली ट्रोले जो काम आते हैं ना, जब गन्ना मिल चलती है तो गन्ना ढोने के काम आते हैं। गन्ने को मिल में ले जाते हैं गन्ना भर भर के, और एक ट्रोले में दो ट्रक का माल आ जाता, माल ज़्यादा आ जाता, भाड़ा कम माल ज़्यादा। और मैं खड़ा हूँ इसके पास, इसके ऊपर, तो एक सेल्फी ले ली जाए। तो आप देख सकते हैं कितनी कितनी मेहनत करी जाएगी पैक करने के लिए, ये हटानी पड़ेगी। तो ट्रैक्टर दोबारा से खुलता हुआ और खुल के तब इधर आएगा, पहले इसको हटाएगा, क्योंकि अगर पक्के में खड़ी होती तो आराम से सरक जाती, अभी बारिश हुई है तो मट्टी है तो धस गई है। तो दोस्तों रास्ता बनाने के लिए पूरी की पूरी, आप देख रहे हैं रास्ता क्लियर करते हुए, बस। तो हैरो को पीछे से हटाने के बाद दोबारा से सेटअप जुड़ता हुआ। तो दोस्तों जुड़ गया है सेटअप और शुरू हो गई है कार्रवाई। और नीचे की अगर मैं बात करूं तो जैसे अब ट्रोले में जाते हैं कि आदमी को अगर सोना हो ना तो यहाँ पर आराम से साइड में लगाओ, सो भी सकता आदमी। और हमारे चौधरी साहब घुमा रहे ट्रैक्टर का पहिया। दोस्तों ऐसे पहिया घूमने से आपको कुछ याद आ रहा, गढ़गंगा का मेला मैंने ऐसे दिखाया था जब वहाँ पर स्टंट लग रहे थे, तो पहिया ऐसे घूम रहा था, एक चल रहा था और एक घूम रहा था। लेकिन यहाँ पर ये क्या है कि यहाँ पर स्लिप हो रहा है, क्योंकि गीली ज़मीन है ना, तो इसलिए स्लिप हो रहा है। और दोस्तों देख सकते हैं जो ऊपर पानी भरा हुआ था वो नीचे निकलता हुआ पूरा का पूरा। तो दोस्तों बार बार आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करना पड़ रहा है यहाँ से इस ट्रैक्टर को निकालने के लिए, क्योंकि ट्रोला बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो टेक्निक का ही खेल होता, क्योंकि दोस्तों ये इशारों पे चलता अलग टाइप से, ये आपके ट्रक की तरह या छोटा बुग्गे ट्रैक्टर की तरह नहीं कटता है इसको, क्योंकि ये यहाँ से भी घूमता है बीच में से भी, तो इसलिए इसको टेक्निक वाला आदमी ही निकाल सकता है। बाकी यहाँ दिक्कत आ रही है, मट्टी चिकनी है। हमारा ड्राइवर हो गया चेंज। तो दोस्तों जब उधर से नहीं निकला ट्रोला दूसरी तरफ से, तो दूसरा ट्रैक्टर मंगाया और दो ट्रैक्टर इस ट्रोले को निकालें, क्योंकि देख रहे हैं मट्टी कीचड़ हो चुका है, देख रहे हैं ना आप कैसी कीचड़। और सबसे बड़ी बात, कीचड़ में निकल जाता लेकिन जब कीचड़ में आने के बाद चिकनी मट्टी हो जाती है ना, तो फिर पहिया स्लिप होने लगता। तो यहाँ दो दो ट्रैक्टर लगे हैं, ट्रोला पूरा धस चुका है, चिपक गया ट्रोला ज़मीन में। उधर से वो प्रेशर लगा रहा है और इधर से ये प्रेशर लगा रहा है, देख रहे हैं ना पहिया, पीछे वाला पहिया कैसे घूम रहा है। निकल गया निकल गया निकल गया, होगा काम, हो गया काम, हो गया काम। चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया मट्टी, इसी मट्टी पर रुकावट थी बस। देख रहे हो दोस्तों कैसे फंसा हुआ ट्रोला। और हो गया काम, हो गया काम। तो दोस्तों एक ट्रोले को निकालने के लिए तीन ड्राइवर भाई नीचे से गाइडेंस दे रहे हैं, जो पहले ट्रोला चला रहे थे कि ऐसे रखो ऐसे रखो, और दो ड्राइवर इस ट्रोले को निकाल रहे हैं। और यहाँ की हालत देख सकते हैं आप, क्या पूरी हालत हो गई, पूरी की पूरी किचगढ़ हो गई। तो फाइनली भाई लोगों ने ट्रैक्टर का ट्रोला सेट कर दिया, अब ये बिल्कुल बैक से निकल जाएगा। तो उधर वाले ट्रैक्टर को खोल लिया जाएगा, वो खोल दिया गया है उधर, वो आगे जा रहा है और अब तो ये बैक होके निकल ही जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको दो ट्रोले दिखाई, मतलब ये ट्रोला और दो ट्रैक्टर, ये दिखाई देंगे आपको अमर डीजे साउंड के साथ। ये ट्रोला है जिस पर आप सेटअप पूरा का पूरा ज़बरदस्त सेटअप लगने वाला है, ये वो ट्रोला है जिसकी पहली झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वहाँ पर वेल्डिंग की कटिंग की प्रक्रिया चालू होने वाली है, स्टार्टिंग होने वाली है। रवि भाई आ रहे हैं, डायरेक्शन देंगे कि कहाँ से क्या कट रहा है, वो आ चुके हैं। और ये दो ट्रैक्टर मैं आपको दिखाई चुका हूँ कि ये दो ट्रैक्टर हैं जो आपको हमारे डीजे साउंड पर दिखाई देंगे। यहाँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कटिंग होगी इसमें। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ कटेगा, कहाँ कहाँ छेद होंगे, काम चालू हो चुका है।
ये प्लेट ही निकलनी है या पूरे पूरे पीरियड में निकलने हैं? है रवि भाई, ये क्या कर रहा है ये बता, समझ रहे हैं? पिलर निकलेंगे, ये प्लेट निकलेंगी, पिलर भी तो निकलेंगे, ये पिलर भी निकलेंगे। तो दोस्तों यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर ये पोर्शन कटने हैं, अगर मैं बात करूँ तो ये वाले पोर्शन कटने हैं पूरे के पूरे, इधर से भी और उधर से भी। और यहाँ पर कटिंग, गैस कटिंग से काम चालू हो गया है भाई। बाबा जी थोड़े से नाराज़ थे, उन्हें मनाने में बहुत टाइम लग गया। तो दोस्तों इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से बने बनाए ट्रोले की कटिंग करनी पड़ती है, बने बनाए ट्रोले की कटिंग करनी पड़ती है नया डीजे सेटअप लगाने के लिए। तो ये पोर्शन कटेंगे ऐसे, इधर से पोर्शन कटेंगे और कटना शुरू हो गया है। अगर यहाँ की बात करें तो ये पोर्शन कट चुका है। तो यहाँ पर कटिंग चालू हो चुकी है, देख सकते हैं गैस कटर से इसको काटा जा रहा है पूरा का पूरा। और जैसे मैं बता रहा हूँ, बाबा ने साफ मना कर दी थी, बिल्कुल पैसे निकाल के हाथ में रख दिए थे कि अपने पैसे वापसी ले जाओ। मुझे ही आखिरी में बाबा के पैर पकड़ने पड़े कि बाबा कर ले, इन बच्चों की इज्जत रख ले। मुझे ही आखिरी में पैर पकड़ने पड़े, अब बाबा इनकी इज्जत रख ले। तो भाई भी मुस्कुरा रहा, साफ मना कर दी थी, नहीं तो भाई ने बाबा ने निकाले जेब में से पैसे, ये लो अपने पैसे ले जाओ, कहीं लो हम अपना ट्रोल का नाश ना करवाओ। और काम होने के बाद कोल्ड ड्रिंक चलती हुई, जब किसी चीज़ की खुशी मिलती है ना काम होने के बाद। नहीं तो बच्चों का चेहरा इनका बिल्कुल उतर चुका था, इन लोगों का पीछे की चेहरा उतर चुका था कि होगा क्या, एंड टाइम में ट्रोला कहाँ से आएगा। तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि एंड टाइम में मुझे ही कुछ करनी पड़ी, पापा के पीछे बैठे उधर हो गया काम। कटिंग चालू हो चुकी है, देख सकते हैं आप, यहाँ से ये पोर्शन कट चुका है और वहाँ से वो पोर्शन कट चुका है, और ये मेरी टी शर्ट में भी छेद करेंगे दिख गया ढंग। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, आज की वीडियो में पहले पार्ट में मैं आपको यहीं तक दिखाता हूँ, छेद भी मार रहा टी शर्ट में छेद करेगा, पहले पार्ट में मैं यहीं तक दिखाता हूँ। इसके सेकंड पार्ट में जब ये ट्रोला बंध रहा होगा, इसके ऊपर माल लगना शुरू होगा, वो मैं आपको कल आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा, आज आप यहीं तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हो रहा और अब हम चल रहे हैं यहाँ से अपने हाथी के पास, वहाँ से हाथी को पकड़ेंगे और पहुँचेंगे सीधा मेरठ। देर हो चुकी है बहुत, शॉप बंद पड़ी है आज।